Assalamualaikum. Welcome in seconds, Mr. Class 5 subjects maths. Here is day 18 working. Add the time. We will add them. Work out these times. So we will horse is 26, 22 minutes, 18 and 44. So we will subtract them. जब सबसे पहले ये मिनट हैं और ये घंटे हैं, आपने 18 में से 44 नहीं जा सकते, तो आपने क्या किया, 26 में से यहाँ पे एक घंटा ले लिया. एक लेने का मतलब है एक घंटा, तो 60 मिनट होते हैं. तो 60 को प्लस करें 18 में, तो 78 में से माने 44 के, तो ये आ गया. यहाँ 25 रह गया, 25 में से 22 गए, तो आंसर हमारे पास 3 आ गया. यहाँ पे भी आपने यही करना है. 57 में से यहाँ पे आपने एक घंटा कैरी लिया, तो आपके पास इन दोनों को प्लस करके 60 और 36 को प्लस करके 96 आ गया. इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 56, में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 23 आ गया. एक्सरसाइज 15, फिल इन दी ब्लैंक्स. 7 वीक्स इज इक्वल टू डैश डेज. एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 49. एक वीक में अगर 7 डेज हैं तो 7 वीक्स में कितने होंगे, 49. तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया. 3 ईयर्स डैश डेज, यानी कि 3 सालों में कितने दिन होते हैं, तो एक ईयर में आपके पास 65 डेज होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई 65 किया तो आपके पास ये डेज आ गए. 48 मंथ्स इज इक्वल टू डैश वीक्स, यानी कि 48 मंथ्स में कितने हफ्ते होते हैं, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो क्या करना है आपने, 48 को मल्टीप्लाई 4 करना है, तो आंसर आपके पास ये आ गया. टुडेज़ टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.